हिमाचल प्रदेश में बरसात में अभी तक सामान्य से 40 फीसदी तक कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बरसात में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 22 और 23 जुलाई को कुछ जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद जुलाई के अंत तक मानसून में कमी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त माह की शुरुआत में मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 4 जिले शिमला, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर में सामान्य के आसपास वर्षा हुई है, जबकि बाकी क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई है। क्या बोले मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल, सुनिए। तो भी सामान्य से कुछ कम चल रहा है और जो ओवरऑल बारिश वर्षा अभी तक हुई है प्रदेश में वो करीब करीब -40% कम है 1 जून से अब तक। और इसमें 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश कम है, उसमें लाहौल स्पीति में सबसे कम है, सिरमौर, सोलन और ऊना, यहाँ पे डेफिसिट है अभी। और जो अच्छे जिले हैं जहाँ वर्षा अच्छी हुई है उसमें शिमला, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, यहाँ पे सामान्य के आसपास बारिश है। और मानसून अभी जो है बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत तेजी से नहीं आ रहा है, बीच बीच में स्पेल आ रहे हैं लेकिन पूरा नहीं है। और अगले 2 से 3 दिनों में कुछ सुधार इसमें है, बारिश में कुछ दिनों में ठीक बारिश होगी, जैसे शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, इन एरियाज में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश अच्छी होगी, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन उसके बाद फिर मानसून में कुछ कमी आएगी 22-23 तारीख के बाद। और जुलाई अगस्त के फिर 1st और 2nd वीक में फिर मानसून जो है फिर ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी मानसून इसी तरह से कमजोर चलता रहेगा जैसे चला हुआ है, लेकिन अगस्त में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। 2 से 3 दिनों में कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल हो सकता है, तो उसके लिए येलो टू ऑरेंज अलर्ट जो है जिलों के कुछ पॉकेट्स में है, पूरे प्रदेश में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत भारी बारिश है, ऐसा नहीं है, लेकिन हैवी भारी बारिश की चांसेस है कुछ जिलों में, जैसे कांगड़ा जिला है, मंडी है, शिमला के कुछ एरिया आ सकते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2 से 3 दिनों बाद फिर से मानसून कुछ जो है कमज़ोर पड़ेगा। और लेकिन ओवरऑल जो अभी तक की प्रेडिक्शन है उससे लगता है कि अगस्त में पिकअप करें। क्या लग रही है? तो मुख्य कारण यह रहा कि बंगाल की खाड़ी बड़ी एक्टिव नहीं थी, बड़ी तेजी से नहीं वहाँ से हवाएं आ रही थी और पश्चिम विक्षोभ कम थे। जो बारिश हो रही थी, वर्षा हमें मिल रही थी, वो अरेबियन सी का जो मानसून की हवाएं होती है उससे मिल रही थी। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी कुछ बेहतर प्रतीत होती है और आने वाले समय में देख आपको लग भी रहा होगा कि बारिश जो है इम्प्रूव करेगी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जल्द से बारिश रहेगी। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।